नमस्कार, एसपीएन 9 न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दिनेश कुमार। उत्तर प्रदेश में राजनीतिक लिहाज से देखा जाए तो तमाम ऐसे नेता हैं जो अपने विवादित बयानों के चलते सुर्खियों में रहते हैं। उन्हीं नामों में एक प्रमुख नाम शुमार है और वो है आरएसएसपी राष्ट्रीय शोषित समाज पार्टी के संरक्षक स्वामी प्रसाद मौर्य। स्वामी प्रसाद मौर्य ने लोकसभा का चुनाव अकेले दम पर लड़ने का फैसला किया। ऐसे में अंबेडकर नगर सीट से वो चुनाव लड़ते हुए नजर आए और ऐसे में वहां पर उनको हार का सामना भी करना पड़ा। अब स्वामी प्रसाद मौर्य अपनी बेटी संगमित्रा मौर्य के यहां पर बीजेपी से टिकट कट जाने के बाद उनके सियासी भविष्य को लेकर चिंतित दिखाई दे रहे हैं। चुनाव से पहले जिस तरीके से तमाम कयास लगाए जा रहे थे और स्वामी प्रसाद मौर्य दलितों की राजनीति करने की बात करते नजर आ रहे थे, उस आधार पर यह समझा जा रहा था कि अब आगामी वक्त में स्वामी प्रसाद मौर्य भारतीय जनता पार्टी नहीं बल्कि बहुजन समाज पार्टी का रुख कर सकते हैं। लेकिन लोकसभा चुनाव के नतीजे सामने आने के बाद स्वामी प्रसाद मौर्य का मन बदलता हुआ नजर आ रहा है। स्वामी प्रसाद मौर्य अब राजनीति की गतिविधियों को साधने के लिए यहाँ पर समाजवादी का रुख कर सकते हैं, समाजवादी पार्टी में शामिल हो सकते हैं और अखिलेश यादव के खेमे में एक बार फिर से एंट्री करने की तमाम कोशिशें कर रही हैं। दर्शकों, आपको बता दें कि जिस तरीके से स्वामी प्रसाद मौर्य को विधान परिषद सदस्यता से इस्तीफा मांगा गया था और उसके साथ साथ उन्होंने समाजवादी पार्टी में अपनी सदस्यता से भी इस्तीफा दे दिया था, अखिलेश यादव ने उनको बार बार विवादित बयान देने पर निर्देश दिए थे कि कोई भी ऐसे बयानबाजी ना किए जाए जिससे कि पार्टी की राजनीतिक छवि प्रभावित हो। ऐसे में अब संगमित्रा मौर्य के भविष्य की लड़ाई लड़ने के लिए यहाँ पर स्वामी प्रसाद मौर्य समाजवादी पार्टी का रुख करते हुए नजर आने वाले हैं। आपको बता दें कि कुशीनगर जिले और अंबेडकर नगर जिलों की कई सीटों पर अब उपचुनाव होने वाला है। अंबेडकर नगर जिले की कुठेहरी सीट से स्वामी प्रसाद मौर्य एक बार फिर से चुनाव लड़ने की यहां पर कोशिशें करते हुए नजर आ रहे हैं और इसके साथ साथ समाजवादी पार्टी से टिकट की मांग करते हुए भी नजर आ रहे हैं। आपको बता दें कि अखिलेश यादव से जब स्वामी प्रसाद मौर्य के समाजवादी पार्टी में शामिल होने की यहां पर सवाल किए गए तो उन्होंने कहा कि मुझे नहीं पता कि किस वक्त वो पार्टी छोड़ करके चले गए हैं, मुझे ऐसा लगता है कि वह अभी भी समाजवादी पार्टी में शामिल हैं। ऐसे में अखिलेश यादव ने बड़े संकेत ये दे दिए हैं कि आखिरकार अब स्वामी प्रसाद मौर्य यहाँ पर समाजवादी पार्टी में शामिल होने के लिए उनके दरवाजे खुले हैं और वह शामिल हो सकते हैं। ऐसे में यदि स्वामी प्रसाद मौर्य अपनी बेटी संगमित्रा मौर्य को समाजवादी पार्टी से चुनावी मैदान में उतार पाते हैं तो एक नए उनके राजनीतिक इतिहास की शुरुआत होगी, क्योंकि करीब ढाई दशकों तक स्वामी प्रसाद मौर्य ने यहां पर बहुजन समाज पार्टी के साथ मिलकर राजनीति की है और अब देखना ही होगा कि राजनीतिक रणनीतियां किस तरीके से तैयार होती हुई नजर आएंगी। फिलहाल इस खबर में इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए एसपीएन 9 न्यूज।